फिलीपींस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई बैठक। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उम्मीद से बेहतर हैं अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते, मिलकर करेंगे काम। आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता की। फिलीपींस के मनीला में हुई इस बातचीत में ट्रंप ने भारत की तारीफ की, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका शुक्रिया किया। इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। हम पूरी दुनिया और अमेरिका की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस बैठक में दोनों नेताओं ने एशिया के भविष्य और संबंधों को लेकर चर्चा की। मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर पूरी दुनिया के भविष्य को बदल सकते हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, जो पाकिस्तान और चीन के लिए परेशानी का सबब है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संकेत देते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर एशिया में हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं। बड़े जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ फ्रॉम दिल्ली। गुजरात नवसर्जन यात्रा के आखिरी दिन आज राहुल गांधी पहुंचे पाटन और मेहसाणा। राहुल गांधी ने आज भी मंदिर में किए दर्शन। मेहसाणा और पाटन में यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलग अलग समाज से मिले और उनकी समस्या जानी। राहुल गांधी ने कई जगहों पर चौपाल भी लगाई। इस बीच राहुल गांधी ने बहुचरा जी में दर्शन किए, लेकिन राहुल गांधी के बार बार मंदिर जाने पर बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने सवाल खड़े कर दिए और कहा, मंदिर जाना स्वाभाविक होना चाहिए, चुनावी नहीं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के बाद राहुल गांधी दोबारा गुजरात आएंगे और सभाओं के साथ साथ रोड शो भी करेंगे। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाएंगे श्री श्री रविशंकर। 16 नवंबर को मंदिर के मसले पर पक्षकारों से होगी मुलाकात। अयोध्या विवाद पर बीच का रास्ता निकालने के लिए आगे आए आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर 16 नवंबर को राम नगरी अयोध्या का दौरा करेंगे, जहां वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षकारों से मुलाकात करेंगे। हालांकि इससे पहले 11 नवंबर को निर्मोही अखाड़ा के दिनेंद्र दास ने बेंगलोर में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की थी। दास ने श्री श्री से अयोध्या विवाद में मध्यस्थता के लिए अयोध्या आने की गुजारिश भी की थी। श्री श्री रविशंकर 15 नवंबर को लखनऊ में कुछ पक्षों से बात करने के बाद 16 नवंबर को अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों से मिलकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। इस बैठक में मुस्लिम पक्षकारों को भी बुलाया गया है। वहीं पिछले दिनों शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने भी बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद वसीम रिजवी ने कहा था कि वो अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये बेहतर होगा कि अयोध्या मुद्दे पर सभी पक्ष आपस में बात करें और एक राय बनाएं। मंदिर के मसले पर हाल ही में श्री श्री रविशंकर ने मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद की अगली सुनवाई दिसंबर में होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को लेकर दिए गए एनजीटी के आदेश में बदलाव की मांग के साथ याचिका दायर की है। याचिका में एनजीटी से महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की मांग की गई है। इससे पहले शनिवार को हुई सुनवाई में एनजीटी ने तमाम सवाल उठाने के बाद दिल्ली सरकार की ऑड इवन स्कीम को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन कहा था कि इसे बिना किसी छूट के लागू किया जाए। हालांकि इसके बाद दिल्ली सरकार ने खुद ही अपनी मजबूरी का हवाला देते हुए इस स्कीम को टाल दिया था, लेकिन अब एनजीटी में दिल्ली सरकार ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि अगर 66 लाख दोपहिया वाहनों को इस स्कीम में शामिल किया जाता है तो इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बुरा असर होगा, जिसे झेलने के लिए फिलहाल सिस्टम तैयार नहीं है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की बढ़ी तादाद और उनकी सुरक्षा का हवाला देकर महिलाओं को छूट देने की मांग भी दिल्ली सरकार ने की है। एनजीटी इस अर्जी पर कल सुनवाई करेगा और ट्रिब्यूनल के रुख के बाद ही दिल्ली सरकार ये तय करेगी कि ऑड इवन को लागू किया जाए या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अलवर जिले में गौ तस्करी के आरोप में पहलू खान की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों ने लगाया है गंभीर आरोप, गौ रक्षकों ने गोली मारकर की है गौपालक की हत्या।
सात माह पहले अलवर के बहरोड़ में हुई पहलू खान की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक बार फिर वैसा ही मामला सामने आया है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक पर मिले शव की शिनाख्त के बाद परिजनों के आरोप ने मामले को गौरक्षकों से जोड़ दिया है। दरअसल मृतक की पहचान भरतपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र के घाट मीका निवासी 40 वर्षीय उमर खान के रूप में होने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि उमर उसके दो साथी ताहिर और जावेद गाय लेकर भरतपुर जा रहे थे, तभी अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में आधा दर्जन लोगों ने पिकअप रुकवा ली और बंदूक धारदार हथियारों से हमला कर दिया। कथित गौरक्षकों ने गोली मारकर उमर की हत्या कर दी जबकि ताहिर खां को घायल कर दिया जिसका हरियाणा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीसरा साथी जावेद अभी भी लापता है। इस संबंध में पूरी घटना का मास्टरमाइंड पकड़ा है जिसने प्रथम दृष्टया पूछताछ में घटना में 6 लोगों का शामिल होना बताया है। सूबे के गृह मंत्री शीघ्र मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। एक और जहां मेप पंचायत के संरक्षक ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर गहन जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूबे के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भी अपना बयान जारी कर कहा है अभी इस मामले को गौपालक या गौ रक्षकों से जोड़ना होगा जल्दबाजी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान रख कर रही है गहन जांच, शीघ्र करेंगे मामले का खुलासा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। भोपाल में छात्रा से गैंगरेप के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई मध्य प्रदेश सरकार को फटकार, 2 सप्ताह में मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। मामले की कार्रवाई में पुलिस और डॉक्टरों के रवैये पर भी जताई नाराजगी। भोपाल में 31 अक्टूबर की रात को कोचिंग छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहली सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस मामले में स्वयं संज्ञान लिया है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में ये बताया गया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही साथ अगले 15 दिन में चार्जशीट कोर्ट में पेश करने का भरोसा भी दिलाया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है। वहीं अगले 15 दिन में सरकार से पूरे मामले की चार्जशीट फाइल करने को कहा है। इसके साथ साथ जरूरी दस्तावेज को भी ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। दिल्ली के रोहिणी अदालत परिसर में पेशी पर आए अंडर ट्रायल कैदी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। सोमवार की सुबह करीब 11:30 बजे रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए एक अंडर ट्रायल कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कैदी की पहचान विनोद उर्फ बाले के रूप में हुई है। विनोद मंगोलपुरी इलाके का रहने वाला था। गोली मारकर ये शख्स जब भागने की कोशिश कर रहा था तभी लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले भी रोहिणी कोर्ट के अंदर कैदी की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। इस वारदात के बाद से एक बार फिर से पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठने लगा है क्योंकि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त मृतक पुलिस के सुरक्षा घेरे में था। वीडियो जर्नलिस्ट अनुप यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में आईएएस की तैयारी कर रही युवती मार्टिना के हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता और दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मां की तहरीर पर पिता और दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र स्थित एल्डको 2 में परिवार के साथ रहने वाली आईएएस की तैयारी कर रही मार्टिना गुप्ता की शनिवार को खून से लथपथ उसी के कमरे में ही लाश मिली थी। उसके 5 गोलियां लगी थी। उस समय घर वाले बेटी द्वारा आत्महत्या बता रहे थे लेकिन दूसरे दिन रविवार को मृतक मार्टिना की मां मालती देवी ने तहरीर दी कि उसके पति राकेश ने ही अपनी बेटी की हत्या की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मां मालती की तहरीर पर बेटी की हत्या के आरोप में पिता राकेश बाबू को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे हत्याकांड में तीनों आरोपियों को मेडिकल कराकर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी छानबीन जारी है और ऐसे कई तथ्य हैं जो बाद में भी उजागर हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समय सिंह के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2007 में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ आज निजी डॉक्टर्स ने बेलगावी में दिया धरना। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के बेलगावी की जहां पर आज निजी डॉक्टर स्वर्ण सौदा के बाहर धरने पर बैठे हैं। दरअसल कर्नाटक निजी मेडिकल प्रतिष्ठान अधिनियम 2007 में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ कर्नाटक के निजी डॉक्टर्स पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं।
और इसी सिलसिले में आज निजी डॉक्टर्स विधानसभा सत्र शुरू होने पर स्वर्ण सौदा के बाहर धरने पर बैठे। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक निजी अस्पतालों में इलाज की फीस सरकार तय करेगी और अगर किसी चिकित्सक की लापरवाही की वजह से किसी बीमार की मौत होती है तो डॉक्टर को 5 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का कहना है कि इस बिल को अभी सदन में पेश नहीं किया गया है, लिहाजा बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का धरना देना ठीक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। एनजीटी ने कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को यात्रियों के लिए बनाए गए नए रूट को 24 नवंबर से पहले शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। श्राइन बोर्ड अर्धकुमारी तक इस नए रूट को कई महीने पहले ही पूरा कर चुका है, लेकिन घोड़े वालों और पोनी वालों के विरोध के चलते अब तक श्राइन बोर्ड इस रूट को शुरू नहीं कर पाया है। एनजीटी ने अपने आदेश में साफ कहा है कि नए रूट पर केवल पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं और बैटरी कार को ही चलने दिया जाना चाहिए, जबकि पोनी वालों और घोड़े वालों की नए रूट पर जाने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। एनजीटी ने भवन पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या को भी 50,000 से ऊपर ना बढ़ने के निर्देश भी श्राइन बोर्ड को जारी किए हैं। बहरहाल श्राइन बोर्ड पिछले कई महीनों से नए रूट को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन स्थानीय लोगों के लगातार विरोध के चलते श्राइन बोर्ड इस मामले में आखिरी फैसला नहीं ले पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू।